ये बात उतनी ही बड़ी सच है कि बरसात के इतने बड़े हिट होने के बाद भी 2 साल तक शंकर जयकिशन को एक भी फिल्म नहीं मिली, लेकिन उनका संगीत हर एक की जुबान पर था। लेकिन एक दौर शंकर जयकिशन के जीवन में ऐसा भी आया जब प्रोड्यूसर्स की लाइनें उनके पास में लगी रहती थी और घंटों वो जानबूझ के उनको इंतजार कराते थे कि बैठो इधर, काम मांगने आए हो ना, बैठो इधर, मेरा दिल करेगा तो काम करूंगा। कुछ प्रोड्यूसर्स तो हैरान परेशान होकर निकल जाते लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं देते, क्योंकि सफलता इनकी इस तरह से बोल रही थी कि लगातार सफल फिल्में वो देते जा रहे थे और केवल गानों पर फिल्में हिट हो रही थी। लोग उन गीतों को सुनने के लिए बार बार फिल्मों को देखने के लिए आते और पता चल चुका था कि गीतों का फिल्मों की लोकप्रियता के पीछे क्या हाथ है। शंकर जयकिशन की यह शोहरत थी कि उन्होंने प्रोड्यूसर्स को बिठाए रखा महीनों तक। एक दिन एक नौजवान एक्टर एक प्रोड्यूसर के पास गया और उसे कहा, कहने लगा कि मेरे को आप हीरो ले लीजिए, मैं अच्छा एक्टिंग करता हूँ। जो भी था उसको वो मस्का मारने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने कहा, देख भाई, अगर तेरे को हीरो बनना है तो पहले शंकर जयकिशन के पास जा और उनको इस फिल्म का म्यूजिक देने के लिए राजी कर, अगर वो राजी हो गए तो तू हीरो हो गया। फिर क्या हुआ, वो नौजवान इन दोनों को फिल्म का म्यूजिक देने के लिए राजी कर आया और साथ ही साथ हमें एक और मशहूर हिट फिल्म मिली। वो फिल्म थी हरियाली और रास्ता। वो एक्टर था मनोज कुमार की, जिसके द्वारा हमको एक भारत कुमार मिला और शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में कमाल का म्यूजिक किया। उसी में से ये गाना 2-3 मूड में बना हुआ है, जिसमें लता मंगेशकर का ये टाइटल ट्रैक हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। इसे लिखा है शैलेंद्र जी ने, फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता। Thank you.
सिया।